अरे मैं तो जंगल का भोजन खा खा के थक गया हूँ। अब मजीद मुझसे ये भोजन नहीं खाया जाता। रोज सुबह सुबह जाओ, दाना ढूंढो, फिर उसे खाओ। मैं तो इन सब से तंग आ गया हूँ। यार कवे, मैं भी यही सोच रहा था। रोज बासी दाने खाने की वजह से मेरे पेट में दर्द होता है, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं? अरे यार आओ, नीलो चिड़िया के पास चलते हैं। वो इस बारे में क्या कहती है? वो दोनों उड़कर नीलो चिड़िया के पास जाते हैं। अरे ये नीलो चिड़िया तो सो रही है, इसे क्या हो गया? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो जंगल में सबसे पहले उठती थी। चलो इसको जगाते हैं। अरे चिड़िया बहन। कुकू कव्वे की आवाज सुनकर नीलो चिड़िया उठ जाती है। अरे यार, तुम लोग कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। शायद मुझे नींद आ गई थी। अरे चिड़िया बहन, तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भाई, रात मैंने बासी दाना खाया, उसके बाद से मेरे पेट में बहुत दर्द था। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाई, इसीलिए आज देर से उठी हूँ। अरे हाँ, आजकल तो भोजन ही ऐसा है। मैं भी जब दाना खाता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अरे बहन, अब हमें कुछ सोचना चाहिए, कोई नया भोजन ढूंढना चाहिए। ये वाला तो खा खा के थक गए हैं। अरे मैं क्या कह सकती हूँ? जंगल के बाकी पंछियों से मशवरा करते हैं, फिर सबकी जो राय होगी उसी पे अमल करेंगे। वो जंगल में दूसरे पंछियों के पास चले जाते हैं और उन्हें अपनी बात बताते हैं। चले फिर आज रात को पार्टी कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये तो बताओ पार्टी का मेन्यू क्या होगा? मेन्यू का ही तो पूछने आए हैं तुमसे। हमें समझ नहीं आ रही कि किस चीज का इंतखाब करें। अरे मैं तो कहता हूँ जंगल की सरदार गिद्ध के पास चलते हैं, उससे मेन्यू का पूछते हैं। वो खाने की बहुत शौकीन है, वो हमें सही मशवरा देगी। हाँ उल्लू भाई, तुम्हारी ये बात तो ठीक है। आओ फिर सब चलते हैं। वो सब उड़ के गिद्ध सरदार के घोंसले की जानिब चल पड़ते हैं। गिद्ध उन सबको देख के हैरान रह जाती है और कहती है, अरे तुम सब लोग एक साथ जंगल में? सब ठीक तो है ना? पहले तो तुम कभी मिलकर यहाँ पर नहीं आए हो। हाँ सरदार जी, सब ठीक है। हमें आपकी थोड़ी सी सहायता चाहिए। क्या आप हमारी सहायता करेंगे? अरे हाँ तुम बोलो, मैं पहले भी तो तुम लोगों की मदद करती थी, आज भी जरूर करूंगी। तुम मुझे बताओ आखिर मसला क्या है? अरे सरदार जी, असल में बात ये है, हम सब पंछी जंगल का बासी खाना खा के तंग आ गए हैं। हम जब भी ये भोजन करते हैं हमारे पेट में दर्द होता है, इसीलिए हम आज शाम को एक पार्टी करने का सोच रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ मसला क्या है? अरे सरदार जी, हमें समझ नहीं आ रही कि पार्टी का मेन्यू क्या होना चाहिए। क्या आप इस बारे में हमारी सहायता कर सकती हैं? अरे मुझे तो चिकन बर्गर बहुत पसंद है, मैंने एक बार इंसानों की बस्ती में खाया था, वो बहुत अच्छा होता है और तुम सबको बहुत पसंद आएगा। अरे
ये चिकन बर्गर क्या होता है और इसे बनाएगा कौन? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे बनाना जानती हूँ। कल तुम सब जंगल के पास के मैदान में जमा हो जाना, हम वहीं पे बर्गर पार्टी शुरू करेंगे। सब परिंदे गिद्ध की बात से मुत्तफिक हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह के वक्त तमाम परिंदे जंगल के पास वाले मैदान में जमा हो जाते हैं और गिद्ध का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद गिद्ध वहां पे आ जाती है। माजरत के साथ, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन अब मजीद देर किए बगैर बर्गर बनाना शुरू करते हैं। मैं अपने मोबाइल पे YouTube से बर्गर बनाने का तरीका देखती हूँ, फिर मैं तुम सबको जिस तरह कहूँ तुम सब वैसे ही करना। फिर कुछ देर तक गिद्ध बर्गर बनाने का तरीका देखने में लग जाती है। कुछ समय के बाद जब गिद्ध YouTube से बर्गर बनाने का तरीका देख लेती है तो सब पंछियों को उनके कामों पे लगा देती है और कहती है, अरे चिड़िया, तुम जाओ इंसानों की बस्ती से अंडे लेकर आओ, हमें बर्गर के लिए अंडों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है गिद्ध सरदार, मैं अपना काम करने जा रही हूँ और कोशिश करूँगी कि जल्दी लौट आऊँ। ये कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। इसके बाद गिद्ध कवे से कहती है, अरे कवे, तुम जाओ और इंसानों की बस्ती से डबल रोटी लेकर आओ। अच्छा सरदार जी, मैं डबल रोटी लेकर आता हूँ। तभी गिद्ध तोते से कहती है, अरे तोते मियाँ, तुम जाओ और इंसानों की बस्ती से प्याज और टमाटर लेकर आओ। इस तरह गिद्ध सब पंछियों को उनके कामों पे लगा के खुद उनके इंतजार में बैठ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम पंछी अपना काम करके वापस आ जाते हैं और फिर वो बर्गर बनाना शुरू कर देते हैं। समय के बाद बर्गर तैयार हो जाता है। लो भाई पंछियों, अब हमारे बर्गर तैयार हो गए हैं। क्या ख्याल है, अब हमें इसे खाना चाहिए? अरे हाँ सरदार जी, जल्दी से खाना शुरू करते हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, इतना अच्छा बर्गर देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे बस भी करो, अब बहुत हो गई बातें, अब खाना शुरू भी करो वरना बर्गर ठंडा हो जाएगा। इसके बाद सब परिंदे बर्गर खाना शुरू कर देते हैं। अरे बहुत लजीज बर्गर बना है, मैं तो खा खा कर थक गया हूँ, लेकिन भूख खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कौवा फिर से बर्गर खाना शुरू कर देता है। सब परिंदे बड़े शौक से बर्गर खा रहे होते हैं। कुछ देर के बाद बर्गर खत्म हो जाता है। सब परिंदे गिद्ध सरदार की बहुत तारीफ करते हैं। वाह वाह सरदार जी, आज आपने बहुत ही बढ़िया भोजन करवाया है, ऐसा भोजन मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। अचानक कौवा जमीन पे गिर जाता है। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। फिर उसके बाद तोता भी जमीन पे गिर जाता है। अरे
मेरे पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द है। अरे कोई तो मुझे बचाओ, दर्द की वजह से मेरा बुरा हाल है। सबकी ये हालत को देखकर गिद्ध सरदार कहती है, अरे इन सबको क्या हो गया है, अरे कोई जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ। तभी एक पंछी उड़ के जाता है और डॉक्टर को बुला के लाता है। डॉक्टर उन सबको चेक करने के बाद कहता है, अरे तुम सब ने क्या उल्टी चीज खाई है जिसकी वजह से तुम सबका ये हाल हो गया है। फिर गिद्ध सरदार डॉक्टर साहब को सारा वाक्या सुनाती है। अच्छा तो ये बात है, मैं इनको एक दवाई देता हूँ जिसको खाने के बाद ये कुछ समय में ठीक हो जाएंगे। फिर डॉक्टर उनके मुंह में दवाई का एक एक कतरा डालता है जिसके कारण उनकी हालत संभलने लगती है और कुछ समय तक वह दोबारा उठ के बैठ जाते हैं। अरे शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारी सहायता की। अगर आप वक्त पर ना आते तो पेट दर्द की वजह से हम सब तो मर जाते। अरे पागल, ये सब इंसानों के खाने की चीजें हैं, हम पंछियों के लिए नहीं हैं। हमें वही चीज खानी चाहिए जो हमारे लिए बनाई गई है। इसके बाद तमाम पंछियों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इंसानों के खानों को छोड़कर जंगल का भोजन खाने लगते हैं। पूरे जंगल में खूनखार गिद्ध का खौफ था। मासूम पंछियों की जानें, उनके अंडे और कोई भी चीज जालिम गिद्ध से सुरक्षित नहीं थी। सुबह सवेरे जब गिद्ध अपने घर से निकलती तो तमाम परिंदों की दौड़े लग जाती। भागो भागो, जब तक दम है भाग लो, लेकिन रंगीले गिद्ध के चुंगल से नहीं बच सकोगे। तुम सब एक दिन मेरा भोजन बनोगे। तमाम पंछी रंगीले गिद्ध से बहुत परेशान थे, लेकिन वो उससे किसी भी तरह छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे थे। इसी जंगल में एक नीलो चिड़िया रहती थी। उसने अपने घोंसले में दो अंडे दिए थे। जब उसे खतरा सर पे मंडलाता नजर आता है तो वह सोचती है, अरे अब मैं क्या करूं? ये जालिम गिद्ध मेरे अंडे ना खा जाए। क्यों ना मैं अपने अंडों को कहीं छुपा दूं ताकि जालिम गिद्ध की नज़र मेरे अंडों तक ना पहुंच सके। फिर चिड़िया अपने अंडों को एक पेड़ के तने में छुपा देती है और खुद घोंसले में जाकर बैठ जाती है ताकि दूर दूर से वो जंगल को अच्छी तरह देख सके। तभी एक कौवा उड़ता हुआ उसी दरख्त पे आके बैठ जाता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। चिड़िया कौवे को देख के उससे पूछती है, अरे कौवे भैया, क्या तुम भी उस जालिम गिद्ध से सुरक्षित रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हो? अरे चिड़िया बहन, मैं अपने ऊपर होने वाला कौन कौन सा जुल्म बताऊं? उस खूनखार गिद्ध ने मेरा पूरा परिवार ही उजाड़ दिया। एक दिन मेरी पत्नी बच्चों के लिए भोजन ढूंढने निकली थी। वो भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ फिर रही थी कि गिद्ध ने उसे अपना शिकार बना लिया। फिर मेरे बच्चों के लिए दाना लेने वाला कोई नहीं था। एक दिन मैं उनके लिए दाना लेने गया था। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों पे हमला करके उनको अपना भोजन बना के खा गया। अब मैं अकेला रह गया हूँ। इस जंगल में मेरा अपना कोई भी नहीं है। अरे कवे भैया, मुझे ये सुन के बहुत अफसोस हुआ और जालिम गिद्ध पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम चिंता मत करो और मुझे अपना दोस्त समझो। तुम इसी दरख्त पे घोंसला बना लो, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ अकेली रहती हो क्या? तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं? कवे भैया, मेरे दो अंडे हैं। मैंने गिद्ध के खौफ से उनको पेड़ के तने में छुपा दिया है। हाँ बहन, तुमने बहुत अच्छा किया। कवा घोंसला बना के वहाँ रहने लग जाता है। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है।
चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आते हैं और वो पेड़ के तने में ही अपने बच्चों को भोजन करवाती है। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जा रही होती है कि गिद्ध उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लग जाती है। चिड़िया दरख्त के तने में जाके अपने बच्चों को भोजन करवाने में लग जाती है और गिद्ध ये सब देख रही होती है। अरे रंगीले, आज तो तेरी किस्मत ही घुल गई। आज तो नरम गोश्त से अपना नाश्ता करूंगी। कितने दिनों के बाद ऐसा नाश्ता करने को मिलेगा। अच्छा बच्चों, अब तुम लोगों ने भोजन कर लिया है, अब मैं चलती हूँ। कुछ समय के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। चिड़िया जब दरख्त के तने से बाहर निकलती है तो सामने गिद्ध उसके इंतजार में बैठी होती है। गिद्ध को देख के उसकी सांसें रुक जाती हैं। वो अपने डर पे काबू पाते हुए गुस्से में कहती है, अरे जालिम गिद्ध, अगर तुम मेरे बच्चों को खाने के इरादे से यहाँ आई हो तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें अपने बच्चों को हरगिज नहीं खाने दूंगी। चिड़िया की आवाज सुन के कौवा वहाँ पे आ जाता है और उसके बच्चे भी तने से बाहर आ जाते हैं। गिद्ध की नजरें चिड़िया के बच्चों पे होती हैं, लेकिन चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को गिद्ध के हवाले करने का फैसला कर लेती है और कौवे से कहती है, अरे कौवे भैया, तुम जल्दी करो, मेरे बच्चों को यहाँ से निकाल के किसी सुरक्षित जगह पे ले जाओ, मैं जालिम गिद्ध का मुकाबला करती हूँ। अरे चिड़िया बहन, इतनी बड़ी गिद्ध का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। तुम अपना ख्याल रखना और अपने बच्चों की चिंता ना करो, मैं उनको बहुत ही सुरक्षित जगह पे ले जाऊंगा। कौवा चिड़िया के बच्चों को लेके चला जाता है। चिड़िया खुद को जालिम गिद्ध के हवाले कर देती है और जालिम गिद्ध उसका गोश्त नोच नोच के खा जाती है। चिड़िया को खाने के बाद गिद्ध गुस्से में कहती है, कहाँ तक भागोगे, इस सारे जंगल में मेरा ही कब्जा है। एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगी और अपना भोजन बनाऊंगी। कौवा चिड़िया के बच्चों को सुरक्षित जगह पे ले जाता है जहाँ कुछ दूसरे पंछी भी मौजूद होते हैं। वो उनके रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाता है। अरे अंकल, हमारी माँ कब तक आएगी? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे हाँ कौवे अंकल, मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही है। माँ को जल्दी से यहाँ पे बुलाओ ना। अरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बहुत जल्द यहाँ पे आ जाएगी। दूसरे पंछी जब कौवे और चिड़िया के बच्चों को देखते हैं तो वो उनसे यहाँ आने का कारण पूछते हैं। तुम कहाँ से आए हो और चिड़िया के बच्चे तुम्हारे साथ क्यों रह रहे हैं? कौवा उनको अपने साथ होने वाली सारी घटना के बारे में बताता है। अरे कौवे भैया, हमें ये सुन के बहुत अफसोस हुआ है। उस जालिम गिद्ध के बारे में हमने भी सुना है, लेकिन वो जंगल के इस जानिब कभी नहीं आई, इसलिए हम यहाँ पे शांति से रह रहे हैं। वो गिद्ध बहुत ही जालिम है, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। वो हमें ढूंढते हुए एक दिन यहाँ पे भी जरूर आ जाएगी। अरे कवे भैया, तुम चिंता मत करो, अगर वो जालिम गिद्ध यहाँ पर आएगी तो मैं उसका मुकाबला करूँगी। ये बात सही है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मगर मैं उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करूँगी। अरे बहन, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही शक्तिशाली है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अरे कौवे भैया, फिर हमें क्या करना होगा? हमें उसका मुकाबला करने के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तुम वहाँ जाके नीलो चिड़िया की खबर लो कि वो किस हाल में है, उसके बच्चे उसको बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं आज रात ही जाके उसका पता करता हूँ और सुबह होने से पहले वापिस आ जाऊँगा, दिन को जाना खतरनाक हो सकता है। जैसे ही रात होती है दूसरे तमाम पंछी सो जाते हैं,
और उल्लू अपने सफर पर निकल पड़ता है। जब वो कवे की बताई हुई जगह पे पहुंचता है तो वहां पे उसे कोई नजर नहीं आता। वो इधर उधर देखने लगता है। अचानक उसकी नजर जमीन पे पड़ती है तो उसे नीलो चिड़िया का सर पड़ा दिखाई देता है। वो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, अरे नीलो चिड़िया को तो गिद्ध ने मार डाला है, अब उसके बच्चों का क्या होगा? मुझे ये बात जाके कवे को बतानी होगी। सुबह सवेरे जब उल्लू वापस आता है तो कवा उसके इंतजार में बैठा होता है। चिड़िया के बच्चे भी कवे के पास ही बैठे होते हैं। अरे उल्लू अंकल, आप हमारी माँ को लेके क्यों नहीं आए? माँ कब आएगी? अरे उल्लू भैया, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नीलो चिड़िया के बारे में कोई खबर मिली? उल्लू उदास होकर जवाब देता है, अरे मेरे भाई, उस जालिम गिद्ध ने नीलो चिड़िया को भी मार दिया, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उल्लू की बात सुनके चिड़िया के मासूम बच्चे रोने लग जाते हैं। तभी कवा बोलता है, अरे मेरे बच्चों, तुम लोग रो मत, उस जालिम गिद्ध से मैं तुम्हारी माँ का बदला जरूर लूंगा, अब उसे उसके अंजाम तक पहुँचाने का समय आ गया है। फिर शाम के वक्त कवा आसपास के तमाम पंछियों को इकट्ठा करता है। सब पंछी इकट्ठे हो जाते हैं। जी कवे भैया, आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि जालिम गिद्ध को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, वरना वो एक एक करके सबको मार डालेगी। मेरे पास एक योजना है, क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? हाँ मेरे भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम बताओ, हमें उसका खात्मा कैसे करना होगा? फिर कवा अपनी योजना के बारे में सब पंछियों को बताता है। यह योजना तो बहुत अच्छी है, हम जरूर उसे मारने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद वो अपने घरों में जाके सो जाते हैं। सुबह के वक्त उल्लू अपने घर से निकल के गिद्ध के घोंसले की जानिब चल पड़ता है। गिद्ध उसे देख के खुश हो जाती है और कहती है, अरे आज तो शिकार खुद चल के मेरे पास आया है। गिद्ध की बात सुन के उल्लू कहता है, अरे तुम मुझे क्यों मारोगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, पहले ही चिड़िया के बच्चे मेरे हाथ से निकल गए हैं, लेकिन वो मुझसे बच नहीं सकते, मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगी। अरे चिड़िया के बच्चे तो मैंने अभी देखे हैं, मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाता हूँ, लेकिन तुम मेरी जान बख्श दो। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अभी वहाँ लेके चलो, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। अगर वहाँ चिड़िया के बच्चे ना हुए तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। गिद्ध उल्लू के पीछे चल पड़ती है। उल्लू एक दरख्त पर जाके बैठ जाता है। अरे कहाँ है चिड़िया के बच्चे, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। वो देखो, सामने जमीन पे बैठे हैं। गिद्ध उड़ के चिड़िया के बच्चों के पास जाती है। तुम मेरी माँ की कातिल हो, हम तुमसे बदला जरूर लेंगे, अब तुम बच के नहीं जा सकती। हा 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 हा, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? खुद तो उड़ नहीं सकते और मुझे मारने की बातें करते हो। हा हा हा। अरे उल्लू के बच्चे, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुमने कितने ही मासूम पंछियों की जाने ली हैं, अब तुम भी मरो और मौत की तकलीफ को महसूस करो। जालिम गिद्ध वहीं मर जाती है और अपने अंजाम को पहुंच जाती है। जालिम गिद्ध के अंत के बाद पंछियों के सर से खौफ के साए खत्म होने लगते हैं और हर जानिब खुशहाली आ जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारा चैनल मज़ा टीवी हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।